Bismillah ar rahim Assalamu alaikum This is Rizwan You're watching my YouTube channel Radiology video by Rizwan Today I want to discuss Anode helipact. What is anode helipact? The intensity of X-ray tube along the Anode and cathode axis Toward the anode

हम एनोड एंगल को इनक्रीज़ करते हैं तो हिलपेक्ट डिक्रीज होगा अगर एनोड एंगल को हम डिक्रीज करते हैं तो एनोड हिलपेक्ट इनक्रीज होगा तो कितोड से आप लोग देखे इस लाइन को लो इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी को देखे टूवर्ड द कितोड साइड जो है ज़्यादा एक्सरेस आ रही है यानी जो रेडिएशन हमारे पास आ रहा है वो ज़्यादा इंटेंसिटीज के होते हैं टूवर्ड साइड वहाँ पे ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होता है तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो साइड है वहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और कैथोड साइड हम थिक एरिया के लिए एरिया के लिए हम फोकस करते हैं और वहाँ पे हम कैथोड साइड लेके आते हैं एग्जांपल ये है कि सपोज अगर हमने एग्जामिनेशन करना है चेस्ट एग्जामिनेशन तो लोअर एबडोम साइड पे हम कितूट को लेके आएंगे वहाँ पे विजरा वगैरह ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कितूट साइड होगा या नोड जो है अबो होगा सोर्स एम एच डिस्टेंस यानी इस के लिहाज से अगर हम फोर्टी इंचज़ और सेवेंटी टू इंच जितने एक सब्जेक्ट को हम दूर रखेंगे इंटेंसिटी उतनी डिक्रीज होगी जितना एक सब्जेक्ट यानी नोट के नज़दीक होगा यानी एक्सरे टूब के नज़दीक होगा उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होगी यानी जो सब्जेक्ट एक्सरे ट्यूब के नज़दीक होगा उसके ऊपर हेलीपैक्ट का ज़्यादा असर पड़ेगा जितना एक सब्जेक्ट हम दूर रखेंगे उतना हीपैक्ट कमज़ोर पड़ेगा अच्छा और हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिपेंड करते हैं एस आई डी के ऊपर एस आई डी अगर डिक्रीज़ होती है तो नोड हीपैक्ट इंक्रीज़ होगा अगर एस आई डी इंक्रीज़ होती हैं तो हेलीपैक्ट डिक्रीज होगा फील्ड साइज के लिहाज से अगर हम हिल इफ़ेक्ट को देखें जितनी फील्ड साइज इंक्रीज होगा हिल इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा जितनी फील्ड साइज कम होगी हिल इफेक्ट उतना कम होगा यानी फील्ड साइज़ अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हिल इफेक्ट इंक्रीज होगा क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा रेस पड़ेंगे ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पड़ेगी ये यानी सिंपल अलफाज में फील्ड साइज अगर इंक्रीज होती हैं तो इनोड हेल इफेक्ट इंक्रीज होगा यानी फील्ड साइज के साथ इनोड हेल इफेक्ट का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फील्ड साइज अगर इंक्रीज होती है तो नोड हेल इफेक्ट इंक्रीज होगा अगर फील्ड साइज जो है वो डिक्रीज हो रही है तो एनोड हिल इफेक्ट डिक्रीज होगा डायग्राम को देखें एनोड हिल इफेक्ट जो है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये है कि इंटेंसिटी जो है के ज्यादा होती है इसका मेन रीज़न जो है वो क्या है वो है एनोड एंगल सेकंड जो है एसआईडी है यानी डिस्टेंस जो है जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा जी हमारे साथ नोड हिल इफेक्ट कम होगा फील्ड साइज जो है जितना ज्यादा होगा इन नोड हिल इफेक्ट उतना ज्यादा इन तीनों का अभी रिलेशन देखें इन नोड हेली का फील्ड साइज के ऊपर इसका इफेक्ट होता है डिस्टेंस के ऊपर इसका इफेक्ट होता है एनोड एंगल के ऊपर इफेक्ट होता है लेकिन एनोड एंगल अगर डिक्रीज होते हैं तो एनोड हिल इफेक्ट इंक्रीज होगा डिस्टेंस अगर डिक्रीज होता है तो नोड हिल इफेक्ट इंक्रीज होगा फील्ड साइज अगर इंक्रीज होता है तो नोड हिल इफेक्ट भी इंक्रीज होगा फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनोड एंगल है आई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंपॉर्टेंस ऑफ तो इसका टेंस ये है कि ये के थ्रू तो हम यूनिफॉर्म डेंसिटी लेते हैं यानी जो रेडियोग्राफ हमारे पास आते हैं उसके डेंसिटी है हमारे पास यूनिफॉर्म लेके आते हैं फिर हम आसानी से एक डिजीज को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं यानी जो डेंस एरिया होती है वो टुवर्ड तो द कैथोड हम लेके आते हैं जो तीन एरिया होते हैं टुवर्ड तो द नोड लेके आते हैं आ, तो इस बॉडी को देखें पेल्विक रीजन जो है आ, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं एस कम्पेयर टू तो एबडोमिन तो हमने कितोट साइड जो है वो बोनी यानी पेल्विस के साइड पे लेके आना है एबडाम साइड जो है वो नोट एबडोम साइड पे लेके जाना है तो ये है कि इससे फिर हमारे पास यूनिफॉर्म जो है आ, इंटेंसिटी आएगी और इससे हाँ मतलब रेडियोग्राफ जो है अच्छे क्वालिटी तो का आएगा रेडियोलॉजिस्ट आसानी से इनका इंटरप्रटेशन भी कर सकते हैं यानी एक डिज़ीज़ जो है वो आसानी से आइडेंटिफाइड हो सकता है